अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफी थे कि जिनकी शहादत ने पूरी कौम को अफसरदा और दुखी कर दिया। उनकी शहादत ही कौम को मरियम नवाज की अखलाकियात की हकीकत भी बता गई। मरियम नवाज का वो ट्वीट जो उसने अरशद शरीफ की शहादत के मौके पर किया था, वो नून लीग के माथे पर हमेशा एक कलंक की तरह जगमगाता रहेगा और दुनिया को अंदाजा होता रहेगा कि शरीफ टब्बर अखलाकियात की तनजली के आला तरीन मकाम पर है। अरशद शरीफ की शहादत उसके अलावा भी कई चेहरे बेनकाब कर गई, जिनके बारे में कुछ निशानियाँ और हकाइक पाकिस्तान के एक और मारूफ सहाफी वसीम बदामी ने बताए हैं। आइए आपको भी वो मकरूज चेहरे दिखाएं और समझाएं कि इन बदबख्तों ने किस तरह पाकिस्तान को अरशद शरीफ जैसे सहाफी से महरूम किया। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि आपके नज़दीक अरशद शरीफ की शहादत की असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन निगरामी, अरशद शरीफ की शहादत को तकरीबन एक माह के करीब होने को है, मगर आज तक ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका कि आखिर अरशद शरीफ को शहादत तक पहुंचाने वाले किरदार कौन थे और किसने उनकी शहादत में मरकजी किरदार अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला उन बदबख्तों को बदतरीन अंजाम से दोचार करे जिन्होंने अरशद शरीफ पर जुल्म किया, और अल्लाह अरशद शरीफ को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। ARY के एंकर वसीम बदामी ने अपने प्रोग्राम के दौरान साफ लफ्जों में कहा है कि अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह वो FIR थी कि जो उनके खिलाफ दर्ज की गई, बल्कि कौम तो ये भी अच्छी तरह जानती है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों की पुलिस बाकायदा छापे तक मारने लगी थी। अरशद शरीफ की फैमिली को मुसलसल हिरासा किया जाता रहा, उनकी ज़िंदगी को लाहक खतरात इतने बढ़ गए कि उन्हें पाकिस्तान से फौरी बुनियादों पर बाहर निकलना पड़ा, और उनकी शहादत के हकायक तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ कितना तेज़ी से काम कर रही हैं इसका अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि वो 16 FIR दर्ज कराने वालों में से कोई एक भी मुदई इंक्वायरी के लिए IG तक के आगे पेश नहीं हो रहा। उन मुदईयों में से 3 बलोचिस्तान के, 5 सिंध के और 1 इस्लामाबाद का है। कई मरतबा मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन टीमों और महकमों ने उनको तलब किया, मगर ये कहीं भी ना गए और ना ही किसी ने इनसे पूछा कि तुम्हें बुलवाया गया था तो तुम क्यों ना पहुंचे। कौम को अब बस अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो लोग इन मुदईयों को सपोर्ट कर रहे हैं असल किरदार वही है। दुनिया के अंदर एक बुलंद मकाम रखने का दावा करने वाले पाकिस्तान के सरकारी इदारे भी आज तक अरशद शरीफ की शहादत के असल किरदारों को ना ही ढूंढ पाए हैं, और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन के रिप्रेजेंटेटिव तनसीम हैदर नामी शख्स के उन बयानात पर एक्शन में आए हैं कि जिनमें अरशद शरीफ की शहादत की साजिश रचाने वाले किरदारों के नाम तक लिए गए थे और बताया गया कि कैसे पूरा प्लान तैयार हुआ, कौन कौन उसमें शामिल था और किस तरह अरशद शरीफ का काम तमाम करने के इंतजाम मुकम्मल किए गए। अरशद शरीफ जब शहीद हुए और कीनिया की पुलिस की झूठी कहानी का भांडा 24 घंटों में फूटा तो दुनिया के बड़े बड़े माहरीन ने यह तक कह दिया था कि शहीद अरशद शरीफ का केस जमाल खोशगी से भी बड़ा है। इस केस को ख़राब करने की साजिश इतने मुनज़्ज़म अंदाज में की गई कि अरशद शरीफ शरीफ की बेवा 3 बार टेम्स अस्पताल शहीद को देखने गई, जहां उनके जज्दे मुबारक को रखा गया था। उन्हें वहां पर मोबाइल ले जाने की इजाज़त तक नहीं थी। शहीद अरशद शरीफ की वालदा का कहना था कि उन्हें उनके शहीद बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही है, और उसके बाद कामरान शाहिद को वो तस्वीर समेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी गई। हुकूमत वक्त ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक ही करना था तो शहीद अरशद शरीफ की फैमिली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद क्यों नहीं किया। अगर मकसद सिर्फ मीडिया के जरिए ही आवाम तक आगाही पहुंचाना थी तो सिर्फ कामरान शाहिद को ही सबसे पहले ये मालूमात किस बुनियाद पर फराहम की गई, तमाम मीडिया हाउसेस को एक साथ क्यों नहीं आगाही दी गई। इस तरह के और बहुत से सवाल हैं कि जिनके जवाब पाकिस्तानी इदारों को ढूंढने होंगे, और अगर हमारे इदारे काम करने पर आए तो सिर्फ 24 घंटों में ही इन सारे मकरू चेहरों को मंजर आम पर ला सकते हैं कि जो अरशद शरीफ की शहादत में मुलविस थे। क्या अरशद शरीफ को ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का निज़ाम अदल इंसाफ दिला पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब समझने के लिए आप यही जान लें कि जो रियासत ये जवाब अब तक नहीं दे सकी और न जिम्मेदारों का तायुन कर सकी है कि एक सहाफ़ी को क्यों और किन हालात में मुल्क छोड़ना पड़ा और किसने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो रियासत इंसाफ दिलवाने में संजीदा भी है? हमें यह भी सोचना है कि इस मजलूम सहाफ़ी का कसूर या जुर्म क्या था, आखिर किस गुनाह की पादाश में इसके साथ ये बहिमाना सलूक किया गया। हुकूमत ने इस मजलूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छुपाए रखा, इसकी वजूहत क्या थी, इसके दुबई से कीनिया जाने में क्या मुहर्रिकात शामिल थे, कीनिया की हुकूमत पुलिस को एक पाकिस्तानी सहाफ़ी से क्या मसाइल या शिकायत थी कि उसे इस बुरी तरह तशद्दुद करके शहीद किया। ये वो सवाल हैं कि जिनके जवाब पाकिस्तानी रियासत, हुकूमत, अदलिया, मीडिया, पार्लियामेंट, तहकीकती एजेंसियों सब पर कर्ज हैं, जो तब तक नहीं उतर सकते जब तक इन सवालों के जवाब सामने नहीं आते। हमारे निज़ाम इंसाफ से तो इमरान खान तक
ये दरख्वास्त कर चुका है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि तीन केस आपके पास हैं और तीनों लैंडमार्क हैं, इनका इंसाफ सिर्फ आप कर सकते हैं। पहला अरशद शरीफ पाकिस्तान का मुहिब वतन सहाफ़ी जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, उसे डराया गया, धमकाया गया और शहीद कर दिया गया। दूसरा आज़म सवाती एक बुजुर्ग सैनिटर, एक मामूली सी तनकीद करने पर उसकी पोतियों के सामने उसे मारा गया। तीसरा मेरा केस एक साबिक वजीर आज़म और सबसे बड़ी जमात के सरबराह के ऊपर हमला हुआ जो मुझे पता था कि किसने किया। मैंने तीन नाम भी लिए लेकिन FIR दर्ज ना करवा सका। अब इमरान खान जैसा शख्स जब ये सब कुछ कहने पर मजबूर हो तो सोचें अरशद शरीफ को कहां से और कौन इंसाफ दिलवाएगा। हम सबको बस यही दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला अरशद शरीफ की फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और अरशद शरीफ को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम दे। उनके साथ जो भी जुल्म किया गया वो इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई अफसोसनाक था। पाकिस्तान की अगर 72 साल तारीख देखें तो इस 72 साल तारीख के अंदर किसी भी सहाफ़ी के साथ इतना ज़्यादा जुल्म नहीं किया गया है या किसी भी सहाफ़ी को इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया है कि जितना अरशद शरीफ को बनाया गया था। और पूरी पाकिस्तानी कौम ने भी आज तक किसी सहाफ़ी से इतना ज़्यादा प्यार का इजहार नहीं किया, किसी सहाफ़ी को इतना ज़्यादा एहतराम या इज्जत नहीं दी कि जितना अरशद शरीफ को दी थी। जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम अच्छी तरह जान चुकी है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के उन माफियाज के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था, उन ताकतों को उनके अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था कि जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं, जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड लोगों को मुसल्लत करके तजर्बे करते रहे हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने के बजाय पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल दिया है, और ये सब कुछ करने की पादाश में ही उनको कीनिया तक में सुकून से ज़िंदगी ना गुजारने दी गई और उनको शहीद कर दिया गया। अगर हम सोचें तो ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के हक का मुकदमा लड़ रहा था, जो हमारी आने वाली नस्लों का मुकदमा लड़ रहा था, जो हमें बताना चाहता था कि हमारे मुल्क के साथ किसने दो नंबरी की है, किसने हमारे मुल्क को नोचा है, किसने हमारे मुल्क को इस मकाम तक पहुंचाया है, वो शख्स एक ऐसा इंसान था कि जो पूरी पाकिस्तानी कौम का मोहसिन है और हम अब सब मिलकर उसके हक के लिए आवाज़ बुलंद करें ताकि उसको इंसाफ दिलवाया जा सके। इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप भी अरशद शरीफ के इंसाफ के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं या ये ख्वाहिश करते हैं कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।